Chemistry Book 2, Chapter Number 6. आज हम एक नया chapter start कर रहे हैं जो कि transition elements है. Transition elements. वैसे तो आपको थोड़ा बहुत idea होगा कि transition elements क्या होते हैं. आज के लेक्चर के अंदर चूंकि ये एक इंट्रोडक्टरी इस चैप्टर का लेक्चर होगा, इसके अंदर हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बैकग्राउंड आप देखेंगे और हम देखेंगे कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे वेरी करती हैं. और दूसरी चीज़ जो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे वो ये कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, यानी क्लासिफिकेशन को भी हम देखेंगे. ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या हैं. ये पीरियोडिक टेबल आपके सामने आ रहा है. इस टेबल में ये जो दरमियान के आपके पास एलिमेंट्स हैं, ये वाला जो आपके पास पूरा पार्ट है, यहाँ से ग्रुप इस वाले से स्टार्ट करके यहाँ तक के जितने भी आपके पास है, ये सब के सब आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं. ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अगर वैसे आपको कुछ याद हो अपने जो आपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर चीज़ें कवर की थी, ये जो फर्स्ट टू आपको ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, वन ए और टू ए, इनको हम एस ब्लॉक कहते हैं. और ये जो आपको ग्रुप थ्री ए से लेके एट ए तक नज़र आ रहे हैं इनको हम पी ब्लॉक कहते हैं. ठीक है, ये यहाँ से सेपरेट हो जाता है पी ब्लॉक और यहाँ से पीछे पीछे एस ब्लॉक. ये जो दरमियान का पार्ट है हम इसको कहते हैं डी ब्लॉक. और ये जो बॉटम पे आपको दो लाइन्स नज़र आ रही हैं इनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक. ठीक है, और ये जो डी और एफ ब्लॉक हैं और एस ओ पी ब्लॉक, ये हम किस बेसिस पे कहते हैं कि इनके जो वैलेंस शेल होता है, ठीक है, वैलेंस शेल वो या तो डी होता है या एफ होता है, या आप यूं कह लो कि इनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डी या एफ शेल को भी फिल कर रहे होते हैं, या आप यूं भी कह सकते हो कि इनके पार्शली फिल्ड डी और एफ शेल्स होते हैं. ठीक है, पार्शली फिल्ड का मतलब है, फॉर एग्जांपल आप स्कैंडियम की बात करो तो इसके डी शेल में एक होगा, फिर टाइटेनियम में दो, फिर वेनेडियम में थ्री, क्रोमियम में चार, मैंगनीज में पांच, यानी ये इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है. ठीक है, इनके डी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिलिंग के प्रोसेस में. ठीक है, इसको बताने के साथ ही अब मैं डायरेक्ट अपने टॉपिक की तरफ जाऊंगा जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. सबसे पहले तो ये तो आपको आइडिया होगा कि आपके पास जो बेसिक शेल्स होते हैं वो के एल एम एन होते हैं, और इनके फिर आगे आपके पास ये आपके पास ऑर्बिट्स होते हैं, और फिर आपके पास सब ऑर्बिट्स होते हैं. ठीक है, या आप उनको ऑर्बिटल्स कहते हो. ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, आपके पास एस पी डी एफ, और फिर एस पी डी एफ के अंदर फर्दर आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं अगर डी की बात करता हूँ, आपके पास इसमें डी के भी फर्दर पांच शेल्स होते हैं. ठीक है, आप इनको लेट से नाम दे दो डी वन, डी टू, डी थ्री, डी फोर, डी फाइव. वैसे आप इनको इनकी ज्योमेट्री के बेसिस पे नेमिंग कन्वेंशन होती है, फॉर एग्जाम्पल आप इनको डी एक्स वाई, डी वाई जेड, एक्चुअल नेम्स इनके ये होते हैं. ठीक है, और डी में टोटल आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 10. सो आपके डी वन, डी टू, डी थ्री, डी फोर और डी फाइव में सबके सब में दो दो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आते हैं. ठीक है, यहाँ तक तो ये वो है जो आपको पहले से पता है. आज आपको तीन नई चीज़ें मैं रिवाइज करवाऊंगा, जिनमें से सबसे पहली चीज़ है ऑफ बॉ प्रिंसिपल. ऑफ बॉ प्रिंसिपल क्या चीज़ है, अगर आप रिकॉल करो आप फर्स्ट ईयर के अंदर ना ऑफ बॉ प्रिंसिपल को पढ़ चुके हो. ऑफ बॉ प्रिंसिपल सिंपली ये है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन ने, फॉर एग्जांपल आप किसी एक एटम की बात कर रहे हो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ने आना है, तो वो कौन से ऑर्बिट में जाएगा. ठीक है, वो उस ऑर्बिट में जाएगा जिसकी लोएस्ट एनर्जी होगी. ठीक है, जिसकी लीस्ट एनर्जी होगी, जिसकी सबसे कम एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन जो है वो उस वाले ऑर्बिटल के अंदर या सब ऑर्बिटल के अंदर जाना चाहेगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो अभी आपको मैं अगेन बता देता हूँ, ये जो थे ये आपके पास क्या थे, ऑर्बिट्स थे. ठीक है, और फिर इनको आप नेमिंग में कह देते हो कि ये आपके पास ऑर्बिटल्स होते हैं. ठीक है, और ये आपके पास सब ऑर्बिटल्स होते हैं. ठीक है, और अब लोएस्ट एनर्जी कैसे डिटरमिन होगी. लोएस्ट एनर्जी ऑफ बॉ प्रिंसिपल ने तो सिंपली ये बता दिया ना कि जिस एटम, जिस शेल की एनर्जी सबसे कम होगी, इलेक्ट्रॉन्स उसमें चले जाएंगे.
ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ कैल्शियम के एटम की, ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है मेरे पास 20. तो कैल्शियम के, लेट्स से कि कैल्शियम से पिछला एलिमेंट आपके पास क्या था, 19 एटॉमिक नंबर था, और वो क्या था, पोटेशियम. पोटेशियम के अंदर 19 आपके पास प्रोटॉन्स थे और 19 ही इलेक्ट्रॉन्स थे. जब आप कैल्शियम पे आते हो तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है. अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, लेट्स से आप मुझे ये बताओ कि ये जो कैल्शियम का 20th इलेक्ट्रॉन है ये कौन से शेल के अंदर जाएगा. इसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो पोटेशियम के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे फिल हुए हैं. पोटेशियम में सबसे पहले पहले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ठीक है. पहले शेल के अंदर भी फर्दर आपके पास एस सब शेल होगा जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे. फिर पोटेशियम में उसके बाद दूसरा शेल होगा, दूसरे के अंदर दो आपके पास, एक एस होगा और एक पी होगा, ठीक है. दूसरे के एस में दो इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे और दूसरे के पी में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे. फिर आपके तीसरे शेल का एस सब शेल होगा जिसमें आपके पास जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 to 4, 4 and 6 10 और 2 12 हो गए. अब आपको पता है कि 3s के बाद अगला शेल आपके पास क्या होना चाहिए, 3d, क्योंकि आपके पास सॉरी 3d नहीं होना चाहिए, आपके पास 3s के बाद क्या होना चाहिए, 3p, ठीक है. आपके 3p में टोटल कितने आते हैं, 6. अगर आप इसमें 6 डाल दो तो ये कितना हो जाएगा, 2 to 4 and 6 10 11 12 and 6 16, 12 and 6 18. और अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया. अब ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, 3p के बाद नेक्स्ट शेल वैसे बनता तो 3 का d है, यानी आप थर्ड शेल की बात कर रहे हो, उसमें पहले s आया फिर p आया और फिर d आना चाहिए. लेकिन आपको इस बात का पता होगा कि 3d में इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाते, बल्कि पोटेशियम के केस में वो 4s में चले जाते हैं, 4s में वो एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है. और फिर जब आप कैल्शियम की बात करते हो तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यही 4s में जाता है, 3d में नहीं जाता, ठीक है. इसकी वजह ये है कि 3d की जो एनर्जी है वो कम है 4s के निस्बत, ज्यादा है 4s की निस्बत, 4s की एनर्जी जो है वो कम है. अगर आप एनर्जीज कैलकुलेट करना चाहो, एनर्जीज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आप मेडलिंग रूल से करते हो, मेडलिंग रूल, ठीक है. यानी ये बेसिकली एनर्जीज को कैलकुलेट करने का एक रूल है, और इसी रूल का एक और नाम भी है क्लचकाउस्की रूल, ठीक है. ये दोनों एक ही चीज है, क्लचकाउस्की रूल. ये रशियन वगैरह जो होते हैं वो इसको क्लचकाउस्की बोलते हैं, और मेडलिंग हम इसको इंग्लिश में नॉर्मली बोलते हैं. ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, साइंटिस्ट के नाम अमूमन ऐसे ही होते हैं. और आप भी अगर कल को कोई बहुत बड़ा काम कर देते हो तो फिर आपके नाम से भी इसी तरह लोग याद किया करेंगे आपको, और आपको फिर बुरा भला कहा करेंगे. अच्छा, मेडलिंग रूल, और ये है क्या, ये आप पहले एक्चुअली पढ़ चुके हो. जो आपने n प्लस l रूल पढ़ा था ना एक, जिसमें आपके पास n जो होता था ये आपका क्वांटम नंबर होता था, और जो आपके पास l होता था ये आपके पास एजीमुथल नंबर होता था, ठीक है. अब क्वांटम नंबर जो होता है ये बेसिकली शेल ही का नंबर होता है. फॉर एग्जांपल आप K की बात कर रहे हो तो K का आपके पास क्वांटम नंबर होता है 1, L का 2, M का 3 एंड N का 4. इसको आप N से रिप्रेजेंट करते हो. और ऑर्बिटल्स जो आपके पास SPDF हैं, S का आपके पास एजीमुथल नंबर होता है 0, P का होता है 1, D का 2 एंड F का 3, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल आप 4s और 3d को आपस में कंपेयर करना चाहते हो. 4s में, 4s का मतलब है फोर्थ शेल की बात हो रही है, तो फोर्थ शेल का क्वांटम नंबर ऑफ कोर्स 4 होगा, ठीक है. और s सब शेल की बात हो रही है, यानी s ऑर्बिटल की बात हो रही है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4 plus 0. s के लिए एजीमुथल की वैल्यू होती है 0, तो 4 plus 0 आपकी वैल्यू आ गई 4. एंड देन अगर आप 3d की बात करते हो तो 3 plus d की आपके पास वैल्यू होती है SPD. d थर्ड नंबर पे आता है, इसका एजीमुथल नंबर 2 होता है. 3 plus 2 is 5. तो चूंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स पहले 4s में जाएंगे, 3d से पहले 4s में चले जाएंगे, ठीक है. ये तो था आपके पास ऑफबाउ प्रिंसिपल. ऑफबाउ प्रिंसिपल और मेडलिंग रूल के बाद जो नेक्स्ट चीज आपके पास आती है वो आपके पास आती है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. और ये भी आप अपने फर्स्ट ईयर के अंदर अगर आप रिकॉल करो तो आप ये पढ़ चुके हो. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि आपके पास कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, कोई भी किसी एटम के अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके
क्वांटम नंबर का सेट सेम नहीं हो सकता, कैन नॉट हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। ठीक है, अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस बात का क्या मतलब है। आपको ये तो पता है कि आपके पास क्वांटम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। क्वांटम नंबर्स आपके पास चार किस्म के होते हैं। सबसे पहले आपके पास होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये बेसिकली आपके शेल नंबर को ये जो आप ऊपर n पढ़ रहे थे ना, ये n प्लस l रूल में जो n था ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, जो दूसरे नंबर पे आपके पास होता है वो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, और एजीमुथल क्वांटम नंबर को आप l से रिप्रेजेंट करते हो, और ये वही है जो ऊपर आपने एस पी डी एफ वगैरह के पढ़े थे। थर्ड नंबर पे आपके पास होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ नंबर पे आपके पास आ जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। अब होता यह है कि ये जो चार क्वांटम नंबर्स हैं ये किसी एक इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। जैसे आप कहते हो ना कि अगर आपने किसी बंदे का बताना हो कि वो कहाँ रहता है, तो आप कहोगे कि वो फलानी सिटी में रहता है, वो सिटी जो है वो लेट से ये हो गया, फिर आप कहोगे वो फलाने टाउन में रहता है, फिर आप कहोगे वो फलाने स्ट्रीट नंबर में रहता है, और वो फिर आप कहोगे कि वो फलाने हाउस नंबर में रहता है। ठीक है, या अगर आप कहूँ कि स्पिन जो है वो इन पर्टिकुलर उस बंदे को आइडेंटिफाई कर देगा किसी एक मखसूस घर के अंदर। ठीक है, अब होता यह है कि दुनिया में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स एक जैसी क्वांटम नंबर्स होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आप 3p की बात कर रहे हो, 3p के अंदर 3px होगा, 3py होगा और 3pz होगा। ठीक है, तीनों के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर मैं कहूं कि 3p के x में एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास, और इलेक्ट्रॉन्स को हम यूं रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो ऊपर टॉप पे लाइन आ रही है इसका मतलब है कि इसकी स्पिन 1/2 आपके पास इसका स्पिन है इस इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो 3px के अंदर आ गया। इसका कोई ना कोई एड्रेस होगा ना, इसका कोई ना कोई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो 3 है, इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा, p का क्या होता है, p का होता है 1, तो इसका प्रिंसिपल एजीमुथल क्वांटम नंबर ये 3 हो गया, एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 हो गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर चूंकि ये px के अंदर लाइक कर रहा है तो ये px इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसके हिसाब से हो जाएगा, और स्पिन क्वांटम नंबर इसका +1/2 है। ठीक है, अब अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन को यहीं पर डालने की कोशिश करूं यूं, क्या मैं यूं डाल सकता हूं? ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है इसका भी सब कुछ सेम नहीं हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, एजीमुथल 3, px और +1/2 स्पिन के साथ आ गया। अगर तो यू हो जाए तो वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अभी हमने लास्ट में इलेक्ट्रॉन डाला है ये यूं नहीं आएगा, बल्कि इसको एटलीस्ट अपनी स्पिन ऑपोजिट करनी पड़ेगी इसी ऑर्बिट के अंदर रिजाइड करने के लिए। अगर इसी सब ऑर्बिटल के अंदर वो रिजाइड करना चाहता है तो उसको स्पिन एटलीस्ट ऑपोजिट करनी पड़ेगी। ठीक है, और थर्ड रूल आपके पास फाइनली जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हम सिंपली इस चीज को कहते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के पास जो आपके पास अगला रूल होता है वो होता है हुंड्स रूल। ठीक है, हुंड्स रूल क्या होता है? हुंड्स रूल आपको ये डिक्टेट करता है कि इसकी जो आपको क्रक्स है ना, मैं आपको वो बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या निकलता है हुंड्स रूल का। ठीक है, ये समझना आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। हुंड्स रूल आपको ये कहता है कि आपके जो कि जितनी आपके पास टोटल स्पिन होता है ना, टोटल स्पिन ऑफ एन एटम, यानी अगर आप उसके हर इलेक्ट्रॉन का स्पिन लो, उन टोटल को ऐड कर दो, यानी जितना उसका टोटल स्पिन क्वांटम नंबर्स जो जितने भी सबके इलेक्ट्रॉन्स के हैं सबको ऐड कर दो, तो वो टोटल स्पिन आ जाता है एक इलेक्ट्रॉन का, स्पिन मोमेंट आ जाएगा आपके पास। जितना वो आपके पास ज्यादा होगा, जितना आपके पास वो ज्यादा होगा उतना आपका एटम ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं इस बात को कि जितना आपके पास किसी एटम का टोटल स्पिन ज्यादा होगा उतना ही वो ज्यादा स्टेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि यही ऊपर वाली हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां पे अभी मैंने कहा था ना कि इस 3px के अंदर पहले से एक इलेक्ट्रॉन था, फिर एक और इलेक्ट्रॉन आपने डालना था। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने एक और इलेक्ट्रॉन डालना है, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, क्या वो इसी के अंदर जाएगा या वो इसके अंदर जाएगा?
अब पहली जहन में तो ये आता है कि उसको यहीं पे चले जाना चाहिए, बिकॉज 3PY में तो जब ये फिल हो जाएगा फिर उसके बाद जाना चाहिए ना, लेकिन अगर वो यहीं पे चला जाए तो टोटल जो स्पिन है वो एटम का कम हो जाएगा, वो कम स्टेबल होगा, वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा अगर ये अगले में चला जाए, वो टोटल स्पिन ज्यादा हो जाएगा, इसका भी प्लस वन बाय टू और इसका भी प्लस वन बाय टू, बजाय इसके कि वो यहीं पे नेगेटिव वन बाय टू के साथ रिजाइड करे और वो इस वाले स्पिन को भी कैंसिल कर दे। ठीक है, तो एक एटम अगर आपके पास दो शेल्स पड़े हुए हैं, दो सब ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं और एक उनमें से एम्प्टी है और दूसरा हाफ फिल्ड है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो हाफ फिल्ड में नहीं जाएगा बल्कि एम्प्टी वाले में जाके ज्यादा स्टेबलाइज कर देगा एटम को। ये आपके पास हो जाता है हुंड्स रूल। ठीक है, ये तो था आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बैकग्राउंड। अब हम आ जाते हैं जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके पास ये आ गए और ये आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, आप लेफ्ट साइड से शुरू करो स्कैंडियम। स्कैंडियम के अंदर आपके पास 4s में तो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन ने आना होता है फोर स्कैंडियम से पीछे आपके पास होता है कैल्शियम, कैल्शियम में 4s में दो इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए होते हैं। अब स्कैंडियम में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आता होता है वो 3d में चला जाएगा। ठीक है, बिकॉज 4s के बाद अगला सब शेल लेवल अगर ऑफबाउ प्रिंसिपल के मुताबिक देखा जाए तो वो 3d बनता है। जैसे आप यहां पे देखो, ये आपको विजिबल है, थोड़ा सा ये डार्क है कलर इसका। आप देखो सबसे नीचे है आपके पास 1s, फिर 2s, फिर उसके ऊपर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर 4f, फिर 5d, 6p, सॉरी इंटरप्शन के लिए। हम बात कर रहे थे कि यहां पे आपके पास ये जो एनर्जी लेवल्स हैं ये ऑफ पॉक के मुताबिक, ऑफ पॉक प्रिंसिपल के मुताबिक यहाँ पे सारे मेडलंग रूल के मुताबिक आपके पास स्टेटेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर देखो तो 4s के बाद आपके पास आता है 3d, 3d में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है, अब 3d में एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ने आना होगा इन केस ऑफ टाइटेनियम तो वो कहाँ जाएगा, या पीछे पड़ चुके हो कि वो अगर आप रिकॉल करो हंड्स रूल ये कहता है कि उसको अगले वाले में जाना चाहिए। ठीक है, वो अगले वाले में जाएगा बजाय इसके कि इसी के अंदर एक और आ जाए। वेनेडियम में आप देखो फिर वो अगेन एक और आपके पास जब एम्प्टी पड़ा हुआ है तो वो फिर अगले के अंदर जाएगा। क्रोमियम में आप देखो तो यहां पे होना ये चाहिए था कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन तो चलो ठीक है यहां पे एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, लेकिन यहां पे देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, आपके पास 4s के जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे ना यहां पे, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे 3d5 आप इसको कह लो 3d के फिफ्थ वाले पोर्शन के अंदर आ गया। ये क्यों आया है इसको हम अभी थोड़ा सा एंड पे देखते हैं कि ये क्यों आ गया। मैंगनीज के अंदर इसी तरह आप देखो ये 5 यहां पे फिल हो गए और जब वो 5 एक और इलेक्ट्रॉन आया तो वो 4s को फिर उसने फिल किया। फिर आप आयरन के अंदर देखो फिर आहिस्ता आहिस्ता अब वो जो हाफ ऑर्बिटल्स हैं वो उनको फिल करना शुरू करेगा और हाफ ऑर्बिटल को वो किस स्टाइल में फिल करना शुरू करेगा, ऑपोजिट स्पिन के साथ, जैसे कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में आपको बताया था। ठीक है, फिर एक और इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहां पर आएगा, फिर एक और आएगा वो यहां पर, फिर अगेन यहां पे देखो एक और इंटरेस्टिंग चीज, अब एक और इलेक्ट्रॉन आना था उसने तो सिर्फ यहां पे आ जाना था ना, तो यहां पे दो हो जाने थे और इस वाले में एक ही होना चाहिए था, वो वाला एक इलेक्ट्रॉन यहां एस से उठ के यहां पे आ गया और यहां पे उसको फिल कर दिया उसने। ठीक है, और उसके बाद 3d में जो के बाद एक और इलेक्ट्रॉन आना था उसने फिर 4s को कर। अब देखो यहां पे दो एनोमलीज है। ठीक है, इन दो एनोमलीज को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये क्यों हो रही है। आपकी जो स्टेबिलिटी है ना किसी भी एटम की, वो अगर तो कोई ऑर्बिट हाफ फिल्ड हो या वो फुली फिल्ड हो तब वो सबसे ज्यादा होती है किसी भी ऑर्बिट की। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप पी की बात करते हो तो पी के अंदर जब 3 होते हैं या जब 6 होते हैं टोटल तब वो ज्यादा स्टेबल होता है। अगर आप डी की बात करते हो, डी के अंदर जब टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या 10 होते हैं तो वो मैक्सिमम स्टेबल होता है, बजाय इसके कि 4 हो या 6 हो या 9 हो। ठीक है, तो उसके अंदर ये अगर 4 होंगे तो वो उनको 5 बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और इसी तरह जब इसके अंदर 9 होंगे तो वो उनको 10 बनाने की कोशिश करेगा अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ज्यादा स्टेबल होने के लिए। ठीक है, तो यहां पे आप देखो कि यहां पे जब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाने चाहिए थे ना, 5वां इलेक्ट्रॉन डी के अंदर 4s से उठ के खुद ही आ गया एटम को स्टेबल बनाने के लिए। और यहां पे भी इसी तरीके से यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए था और यहां पे एक हाफ होना चाहिए था, वो 4s से आ गया इसको टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, सो ये उसकी स्टेबिलिटी के साथ होता है और यहां पे भी वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में इतना ही। अब हम इसकी क्लासिफिकेशंस को एक नजर डाल लेते हैं कि ये क्लासिफिकेशंस
हम कैसे करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। सबसे पहले तो ये कि एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ ये थी कि मुझे आपको सबसे पहले बतानी चाहिए थी कि हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन का इंग्लिश में क्या मतलब होता है? ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज, तब्दीली, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब क्या, ये वो एलिमेंट्स है जो तब्दीली लेके आ जाते हैं? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि ये यहाँ पे अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखो, आपके जो लेफ्ट साइड में जो मोस्टली एलिमेंट्स हैं वो सब के सब आपके पास आ गए मेटल्स, जो आपके पास राइट साइड के जितने एलिमेंट्स हैं वो सब के सब आपके पास आ गए अमूमन नॉन मेटल्स, जिनमें से कुछ मेटल्स भी होते हैं। आपके पास जो दरमियान का पोर्शन है ना, अगर आप जितनी भी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी उनके अंदर अगर आप देखो, तो आपकी दरमियान वाली जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इन बिटवीन होती हैं इसके और इनकी प्रॉपर्टीज के, ठीक है। इस बात का मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये ट्रांजिशन में है, ये चेंजिंग फेज में है, ठीक है। इनके अमंग प्रॉपर्टीज चेंज हो रही होती हैं, ठीक है, फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक, फ्रॉम हाई मेल्टिंग पॉइंट टू लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इस तरह इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को एसओपी ब्लॉक को आपस में चेंज करा रही होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते होते हैं, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज के ये कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर फिर फर्दर आपके पास एक तो डी ब्लॉक होता है ना और एक आपके पास एफ ब्लॉक होता है। जो आपके पास डी ब्लॉक होता है ना, ये जो आपके पास ये वाले सारे एलिमेंट्स हैं, हम इनको कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये जो आपके पास नीचे एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स हैं जो कि लेंथेनियम, लेंथेनम और एक्टिनियम से आगे कंटिन्यू हुए हुए हैं, लेंथेनम और एक्टिनियम की पोजीशन किस जगह पे है? लेंथेनम और एक्टिनियम इस जगह पे होने चाहिए थे, लेंथेनम यहाँ पे और एक्टिनम यहाँ पे, ये यहाँ से आगे दोनों ग्राफ्स कंटिन्यू हुए हुए हैं। वैसे तो एफ के अंदर टोटल 14 आते हैं, लेकिन आप इनको काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नजर आ रहे हैं आपको, बिकॉज ये एक्चुअली लेंथेनम को भी बीच में काउंट कर दिया गया है जबकि लेंथेनम का एफ ऑर्बिटल नहीं होता, ठीक है। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आप इसको एज्यूम कर लो कि ये वाला जितना भी पार्ट है इसको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये जो आपके पास ऊपर वाला पार्ट है जो डी ब्लॉक का है इसको हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके बाद अगेन अगर आप देखो, ये जो आपके स्कैंडियम और जिंक की प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको चाहता हूं कि आप इसको देखो। स्कैंडियम पे अगर आप गौर करो, ये सबसे पहला और जिंक सबसे एंड वाला, ठीक है, इन दोनों पे अगर आप गौर करो, स्कैंडियम में आपके पास 3D में सिंपली एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ठीक है। जब ये एक आप इसको थोड़ी सी आयनाइजेशन एनर्जी सप्लाई करोगे, थोड़ी सी एनर्जी दोगे, तो ये जो 3D का ये एक इलेक्ट्रॉन है ये स्कैंडियम प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसका मतलब है कि ये दो एस के इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकलेंगे इसके अंदर से, एंड देन एक 3D का भी साथ निकल जाएगा और इसके टोटल प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। जब ये तीनों निकल जाएंगे तो फिर मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या ये एक ऐसा एलिमेंट रहेगा जिसका डी शेल जो है वो इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग? नो, फिर तो इसका डी शेल रहेगा ही नहीं, इसका तो डी शेल पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि स्कैंडियम अपनी आयनिक स्टेट के अंदर एक प्योर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता। इसी तरीके से अगर आप जिंक की बात करो, जिंक जो है, जिंक में आपके पास डी शेल के तमाम जितने भी आपके पास सब ऑर्बिटल्स के जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब के सब फिल्ड हैं। क्या इसमें इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है कि ऑलरेडी फिल्ड है? इसमें तो ऑलरेडी फिल्ड है। अगर अब देखो जिंक क्या वैलेंसी आपकी शो करता है, प्लस टू, इसका मतलब है ये प्लस टू क्या डी से देगा या एस से देगा? हम इस पे बाद में आएंगे, ये बेसिकली एस से देगा, डी से नहीं देगा। ऑल्दो डी बाद में फेल होता है और एस पहले फेल होता है, लेकिन एस के इलेक्ट्रॉन्स ये पहले डोनेट कर देता है, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, बल्कि मैं इसको आपको बता देता हूं अभी। नॉर्मली आपके पास क्या होता है कि जब आपके पास कोई एक लास्ट शेल होता है ना, वैलेंस शेल, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे पहले रिमूव होता है अगर आप एनर्जी सप्लाई करो। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर यूं नहीं होता। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपके पास 4s नीचे होता है और 3d उसके ऊपर होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप बात करो, 5s आपके पास नीचे होता है और 4d आपके पास उससे ऊपर होता है। लेकिन अगर आप हल्की सी भी एनर्जी सप्लाई करते हो तो वो 3d के इलेक्ट्रॉन्स रिमूव नहीं होंगे बल्कि 4s के इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ प्योरली ट्रांजिशन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है। और इस प्रॉपर्टी के साथ
हाँ, जो मैं आपको बात बताना चाह रहा था इधर जिंक और स्कैंडियम के बारे में, कि जिंक और स्कैंडियम एक ऐसे दो एलिमेंट्स हैं कि ये अपनी प्योरली इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग नहीं है इनके डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो हम इनको कहते हैं पार्शली फिल्ड, या डी और एफ शेल्स हो इनके, तो इनके तो पार्शली फिल्ड नहीं होंगे ना, दोनों थोड़ी सी मतलब चेंजेस हैं इनके अंदर, तो हम इनको कहते हैं कि ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, नॉन टिपिकल, ठीक है। और ना सिर्फ स्कैंडियम, आप स्कैंडियम के नीचे के जो दो हैं इलेक्ट्रॉन्स आपके पास, ये स्कैंडियम वाला जो पूरा ग्रुप है आपके पास, स्कैंडियम वाले ग्रुप में आपके पास कौन कौन से आते हैं, स्कैंडियम वाले ग्रुप में आपके पास आते हैं स्कैंडियम, यूटेरियम और लेंथनम, ठीक है। ये तीनों जो आपके पास हैं, ये तीनों नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। और इसी तरह आपके पास जिंक के नीचे कौन कौन से आते हैं, एक जिंक, जिंक के नीचे आपके पास आता है कैडमियम, और देन उसके नीचे हाइड्रोजायरम, ये भी आपके पास नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है, ये वाले दो ग्रुप्स। बाकी जितना भी आपके पास पीरियोडिक टेबल का पार्ट है वो सब के सब टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसके साथ ही ये वाला लेक्चर हम ओवर करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह प्रॉपर्टीज कवर करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और फिर लेटर ऑन हम इस चैप्टर में उन प्रॉपर्टीज के ट्रेंड्स को भी डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स।